हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, हालांकि बच्चों का है सुबह का 10, लेकिन आयु की डिमांड थी कि मुझे फ्राइंस खिल चाहिए। चाहिए, तो उसकी मम्मा ने उसके लिए फ्राइंस बना दिया है और पापा, मम्मी और मेरे लिए मूंगेड़ी तैयार कर दी है। और ये तो हमारा फेवरेट है, थोड़ा थोड़ा हम सभी लोग खाते हैं। मैं भी मूंगेड़ी खाता और हूँ। आयु को फ्राइंस इस शर्त पे मिली है कि वो आज गिलकी की सब्जी खाएगा। मैंने कल लौकी की भी खाई कल थी। उसे लौकी की सब्जी खिलाई थी, क्योंकि हेल्दी फूड खाना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सा उसे खिला रहे हैं, इसके बाद वो गिलकी की सब्जी खाएगा, क्योंकि ये गिलकी और लौकी की सब्जी खाने में बहुत ज्यादा नकले निकलता नखरे करता है, इसलिए उसकी आदत डाल रहे हैं कि उसे पटा पटा के कुछ ना कुछ खिलाने की मेरे कोशिश को कर रहे हैं। चिल्का है। और पता है मम्मा मेरे को जंक फूड क्यों खिलाती है? कहा कि मैं हेल्दी फूड भी खाऊं उसके साथ। हेल्दी दादू फूड भी खाओ इसलिए। और ये को दादू की भी अच्छे प्लेट से आ गई है, मिलेगा। और करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू आगे। और आपको पता है, हाँ, शाम को हम जाएंगे मूवी सत्यमेव जयते, जॉन इब्राहिम की है। और कैसी लगेगी, क्या है उस फिल्म में खास, ये सब आपको एंडिंग के पहले बताऊंगा कि फिल्म अच्छी है या नहीं है और उसमें क्या खास है। मतलब टोटल फिल्म का रिव्यू आपको दूंगा, तो मेरे देखते फ्रेंड्स रहिए का आगे। नहीं क्या खाया। मेरे फ्रेंड्स का नहीं खाया। मम्मा ने मैगी के फ्रेंड्स बनाए थे। मेहनत करते हैं। तो आप ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिए और एंड में आपको सत्यमेव जयते का रिव्यू जरूर मिलेगा। हम पहुंच चुके हैं ऑफिस, और ऑफिस में नानू भैया अपने काम से लगे हुए हैं। और नानू भैया, क्या हाल चाल? भैया आपका नानू भैया काम से लगे हुए हैं, और नानू भैया ने कुछ लाए हैं। सामान आ गया। हाँ, ये क्या है भाई? मास्क मास्क न्यूट्रीलाइट एम्बे। भयंकर न्यूट्रीलाइट एम्बे का मास्क नानू भैया ले आए। और क्या है इसमें? बस ये दो चीज़ें। जी, किसके लिए लाए भाई? ये घर के लिए लाया अच्छा, था। घर के भाई लिए? ओ भगवान, ब्यूटी। चलो बढ़िया, ये मास्क देखते हैं कैसा है। इस मास्क की खासियत क्या है भाई? जो सामान्य मास्क खाते हैं उससे 2 गुना प्रदूषण कम करता, मतलब एंटीवायरस सब सारी चीज़ों के लिए। ओके, ये N95 ज़्यादा से ज़्यादा 50% को कवर करते हैं और ये 80 से 90% को कवर करते हैं। गुड, चलो ठीक है। इसके साथ ये भी है, यदि आप कान में नहीं लगाना चाहें तो इसे इसमें अटैच कर कर लगा सकते हैं, जिससे कि परेशानी, आपको कानों का दर्द ना हो। तो गाइस, नानू भैया का दिया हुआ एम्बे का ये मास्क लगता अच्छा रहा है और फिट भी अच्छा है, खूबसूरत भी लग रहा है, तो अब ऐसे ही लगाएंगे कंटिन्यू। और ये मेरा जो मास्क था तो बेचारा, ये भी थोड़ी बहुत क्वालिटी वाला, लेकिन नानू भैया ने इसकी क्वालिटी थोड़ी सी गिरा दी है। और यदि आपको एम्बे के ये क्वालिटी वाले मास्क चाहिए तो आप नानू भैया से ले सकते हैं, नानू भैया ने बहुत सारे बुलाए। ऑफिस से हमें काम था तो हम बानापुरा पहुंचे। बानापुरा में हमें बस स्टैंड के पास नज़र आया कि एक कार का पहिया खुली नाली में उतर गया है, जिसके कारण कार चालक से लेकर आम लोग भी परेशान थे, उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। हमें समझ में नहीं आता कि जिम्मेदारों को ये अव्यवस्थाएँ क्यों नज़र नहीं आती हैं और वो इसे सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, और हादसों का इंतजार आखिर क्यों करते हैं। इसके बाद हमें ग्राम बराखड़ से नितेश भारद्वाज ने अपने खेत में मच्छुंद्री माई की पूजन थी वहाँ बुलाया था, लेकिन हम काफ़ी लेट पहुँचे। और पहुँचने पर हमने देखा कि वहाँ मच्छुंद्री माई की पूजन चल रही थी। उन्होंने अपने इष्ट मित्रों और परिजनों को वहाँ बुलाया था, जिसके बाद शाम के समय होता क्या है कि अक्सर हम सुबह जल्दी खाना खा लेते हैं, तो हमें हल्की फुल्की भूख भी लगती है। तो हम पहुँचे कहाँ, शाम के समय पहुँचे बेथल स्कूल के सामने भैया की शॉप पर। वहाँ हमने पेटीज पैक करवाया और पेटीज फिर सभी ने मिलकर खाया। एक पेटीज घर के लिए, एक ऑफिस के लिए। ऑफिस में नानू भैया और मैं, और घर पर डॉली और आयु। रात का बज चुका है 7:30 या 7:45, खाना हो चुका है और हम जा रहे हैं टहलने, बानापुरा तक टहलने जाएंगे, वहां से वापस आएंगे। और आपको बता दूं कि मास्क अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि रोको टोको अभियान शुरू हो चुका है और थोड़े दिन बाद हो सकता है कि चालान भी कटने लगे, इसलिए जब घर से निकले तो कोशिश करें मास्क लगाकर ही निकले। Thank you.
सत्यमेव जयते मूवी हम देखकर आ चुके हैं और आयु तो थोड़ी सी मूवी देखने के बाद ही घर आ चुका था। हालांकि मन सीधा बैठ मन हमारा भी होने लगा था कि हम थिएटर से बाहर निकल जाएं, लेकिन सोचा कि चलो ठीक है अब आ ही गए हैं, झेल ही रहे हैं मूवी तो झेल लेते हैं। जॉनी इब्राहिम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। सत्यमेव जयते जो पहली मूवी थी बहुत ही शानदार थी, अल्टीमेट थी, एक्शन भी अच्छा था, लेकिन इस मूवी में ऐसा लगता है जबरदस्ती के सीन डाल दिए हैं। और डायलॉग डायलॉग की तो आप बात ही मत करिए, हर 5 मिनट में एक डायलॉग लीजिए और ऐसे जो बिल्कुल बिना सिर पैर के, मतलब आपको याद नहीं रहेंगे कि कौन सा उसने डायलॉग बोला जो आपको याद रखना है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मूवी अच्छी है, मूवी बिल्कुल भी, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है तो आप जाइए मूवी देखिए, और आप अगर जॉनी इब्राहिम के फ़ैन हैं तो बिल्कुल जाके देखिए, बॉडी वो बिल्कुल दिखाएंगे। और फिल्म में 3 रोल हैं जॉनी इब्राहिम के जो कि बहुत ज़्यादा झिलाऊ हो जाते हैं, और देशभक्ति है, राजनीति है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ मिक्स है, गुंडागर्दी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाती, इसलिए फिल्म देखने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। और बस आज दिन भर से जो सबक मिला वो सबक की अगर हम बात करें तो ये सबक मिला कि कभी कभी हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है। हमने बहुत कुछ सोचा था कि आज बहुत सारे काम हो जाएंगे लेकिन बहुत सारे काम नहीं हुए, तो बस यही होता है कि जब आप ये सोचते हैं कि आज कोई काम हो जाएगा और वो यदि नहीं होता है तो आप बिल्कुल भी नाराज़ ना हो, क्योंकि कुछ काम आप कर सकते हैं, आप उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला कभी कभी कुछ काम जब वो चाहता है तभी होते हैं। तो बिल्कुल निराश मत होइए, मेहनत करिए, मेहनत करने के बाद भी अगर परिणाम बिल्कुल भी ना आए तो आप निराश मत होइए, एंजॉय करिए क्योंकि वो नेक्स्ट डे काम हो जाएगा। तो अब हम करते हैं ब्लॉक की एंडिंग, तो वो करेंगे आयु भैया। ये प्रोफेशनल है, ज्यादा हो जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। तब तक काली ए, बाय 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 बाय।